ਕਿਹਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੇਠ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਿਓ ਫੋਨ हेलो की हाल है पुष्ण से गीत बोल दी पई गीत टोली तू तू हजे जिंदी शंकर टोली नु भी निक्के जे काम ले भी बहुत देर लगती है काम तो शंकर टोली दा हो गया भज गया तेरा कुछ लगता गीत इतनी छेती नहीं मारती पुष्ण से आज तो तू अपनी खैर मना पुष्ण से कि मेनू काली है ये तो मैं तेनू फोन नहीं सी करना तेरी कार ही घेरनी सी तेनू धू के सारे पिंड का गेड़ा लवानी तेरा मूह कला करके चित्रां दा हार पा के गली गली घुमाना सी तेनू ओ भी खोते ते बिठा के हाँ सच खोता भी तो गुस्सा कर जांदा खोते ने भी तो कहना सी कि मेरे तो वड्डा खोता मेरे उत्ते बिठा दिता ते उन्हूं मनाउण वास्ते तेनू पता सी की कर दे घुंगरू बन के तेरे पैरां च पूरी सत दे सामने ਨਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪੁੱਛਣ ਸੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਛਣ ਸੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ ਗੀਤ ਰਾਣੀ बथेरे आए मेरी अखा कड़न वाले ते बथेरे चले गए बथेरे आए होंगे पर गीत ढोली वर्गा कोई नहीं होएगा जेड़ी माता रानी अगे तू सिर चुकाना ना सवेरे सवेरे उसे माता रानी का अंश हुंदा हर कुड़ी विच मेरे विच ही है ते तेनू मैं आखिरी बारी चेतावनी दे रही हूँ पुष्ण से जे तू सुरजीत ढोली दे घर वल बुरी नज़र पाई ना ते नज़र बट्टू बना के ना तेनू मैं बनेरे तां टंग देना याद रखी मेरी गल ਹਲੋ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਾਂਭ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਨ ਸੇਠ की खबर है काम हो गया ना तो जी खबर इतना है कि मेरा मतलब पूषण सेठ मिन्नू अपना मतलब ना समझा ते ए दस यो गीत किथे है गीत गीत फिर बच के निकल गई सिमोन मैम
की वो गीत फिर बच के निकल गई। हाँ जी मैडम। शर्म तो नहीं आती तेनू मेरे सामने एकदम मुंह लटका के खड़े नू? तेनू कहा सी ना वो गीत किसी भी हालत विच बच के शहर नहीं जानी चाहिए। इन्ना जिन्ना काम किया सी तेनू, तेरे को भी नहीं होया? नहीं सिमोन मैडम जी, जोर तो पूरा लाया सी अपने वालों, पर ओदे नाल मल्हार सी ओनू बचा के लै गया। उन्हें गीत नू नहीं बचाया भूषण सेठ, उन्हें मैनू डोब दिता है। हुण तां गीत दोबारा मेहरा हाउस विच पुज आऊगी ना, कि जो मेहरा हाउस विच पुज गई तो मेरे लिए तो मेहरा हाउस के दरवाजे पक्के बंद हो जाएंगे। नहीं गीत, नहीं, तू मेरा राह नहीं रोक सकती। तेनू एक पासे होना पड़ेगा, मेरा राह खाली करना पड़ेगा। गीत ये गल तुम शोभा नहीं देंदी मेरा परिवार वाले, तुम साडे नाल धोखा किया है, ठग लिया तुम सानू। जिदा दी बना के अपनी कुड़ी नू तुसी साडे सामने पेश किया उदा दी है ही नहीं। ऐ ते गल्लां ही पता नहीं किदां दी कर दी है, अद्धियां गल्लां ते इहदियां सानू समझ नहीं आंदियां। तौबा तौबा, कदी कहिंदी है छोटे छोटे कपड़े पाने ने, कदी कहिंदी है बस विच सोहरे घर जाना है। इदां दी नूं थोड़ा चाहीदी सी सानू। मैनूं तां अजे भी याद है किन्नी सवाद सी उह साग ते मक्की दी रोटी, फिर वो गाना भी सुनाया सी शुद्ध राग विच, मजा आ गया सी एक बार तां। बस फिर उसी मजे मजे च तुसी फस गए हो अंकल जी। तान्या नूं तां मक्की दी रोटियां बनाउणी आउंदी नहीं ते ना गाना गाउणा आंदा है। कुछ भी नहीं आंदा इहनूं? हां जी अंकल जी, तान्या नूं तां कुछ भी नहीं आंदा। वो मक्की दी रोटियां भी गीत ने बनाई सी ते वो गाना भी उन्ने ही गाया सी। ताना ने तो बस लिपसिंग कीती सी वो पुरानी फिल्मा वांग। केड़ी सी वो मूवी? पड़ोसन। हाँ जी हाँ जी, वो ही अंकल जी। मैनू तो पहलों ही पता लग गया सी कि आवाज पहलों आंदी पई गाने दी ते बुल बाज हिलदे पए ने तानिया दे, पर मेरी उस वेले सुनदा कौन है? गिन्नी चुप रह, ऐवी बल्दी दे विच घिओ ना पा। ते तुसी भी शांत रहो, असी तुहाडे नाल कुछ गलत नहीं कीता, किसे किस्म दा कोई भी धोखा नहीं कीता असी तुहाडे नाल। धोखा नहीं कीता ते होर की कीता है? हर गल तो तुसी झूठ दसी है सानू तानिया बारे। असी तुहाडे नाल कोई धोखा नहीं कीता, जो कुछ भी होया है आकाश की सहमति नाल होया है। आकाश नूं तां सब कुछ पता सी। हाँ मिस्टर बजाज, मिसिज बजाज वो सारा कुछ जानदा सी। ते वैसे भी हुण तानिया ने गीत कोलों सब कुछ सीख लिया है। हाँ हाँ, आकाश तां तानिया नूं चंगी तरह जानदा है, ये तां कई सालों तक दूजे नूं जानदे ने, शायद एक दूजे नूं प्यार भी करदे ने उदों तों। पर असीं आकाश नाल अज तक कोई फर्क नहीं किया, हमेशा मेरा हौसला मैंबर ही समझिया इस नूं। पर मैनू तुहाडे बारे नहीं सी पता। साडे बारे की पुछना सी तुसी? साडे बारे जो भी पुछोगे सच सच दसांगे, तुहाडे वांग झूठ नहीं बोलदे असी। नहीं मिस्टर बजाज, मैं कुछ नहीं पुछना, पर मैनू तुहाडी इस पुरानी सोच बारे बिल्कुल भी नहीं सी पता। तुहाडा पुत्र आकाश वो तो नवे जमाने का मुंडा है, पर तुसी तो बाहर रहिंदे हो, फिर भी तुसी ये पुरानियां गल्लां ये पुराने रिवाज अपने सिर उत्ते चक्की फिरदे हो। देखो मिस्टर मेहरा, हुण तुसी साडी बेइज्जती कर रहे हो, असी केड़ियां पुरानियां गल्लां नाल चुक्की फिरदे आ? ये पुराने जमाने दी गल्लां नहीं ते होर केड़े जमाने दी गल्लां ने? कदे तुसी कहने हो थानू गाना गाण वाली कुड़ी चाहीदी है, ते फिर तुसी देखदे हो किदां दे कपड़े पांदी है, किदां तुरदी है, उन्हें खाना भी बनाना आना चाहिए है, ते बर्त रखने तो बाद कथा भी थानू ही सुनावे। मैं थोड़े तो एक गल पूछा, तुसी ब्याह वास्ते अपने मुंडे लिए कुड़ी वेखन आए हो या नौकरी लिए इंटरव्यू लेना है मेरी धी? फिर तुसी दस दियो मेरा साहब, जे असी ये सब कुछ ना देखते तो होर की देखते?
तुसे की देख के लिया सी अपने घर विच नू? मेरे नौ वर्त सारे चंगी तरह जानते ने, ओह टोली है जीत टोली। हाँ टोली दी धी है, पर सोहनी सुनखी तो है, बैठन उठन का भी उसनों वल है, तो गुणी भी है। आ गिन्नी ने सारा कुछ दस ही दिता भी मक्की दी रोटियां भी उन्हें बनाईया सी, ते गाना भी उन्हें गाया सी, ते फिर तो तानिया नू सारा कुछ सिखाया भी उन्हें ही है। इहदा मतलब वह तो बहुत चंगी कुड़ी है, ते सारे घर दियां नू एह जी नौ ही चाहीदी है, होर की चाहीदा हुंदा किसी नू। जे यही गल सी मिसिज बजाज, तो फिर तुसी साडी नूह की बेइज्जती करके उन्हों इस घर विचों जाण लई मजबूर क्यों किया? अज जिस मूँह नाल तुसी उहदियां सिफतां कर रहे जे, उसे मूँह नाल तुसी उहनूं कौड़े बोल बोले, याद है कि भुल गए हो? हुण ते तुहाडे नाल साडा कुड़माचारी का रिश्ता जुड़ गया है, ते तुसी आए भी साडी तानिया की वधाई वास्ते हो, ते तुहाडे नाल इदां दियां कोई गल्लां करन नूं दिल तो नहीं करता, पर गल किते बगैर रहा भी नहीं जा रहा मेरे तो। इदा की कड़ी गल है मिसिज बजाज? एक पासे तो ताड़े ते हैरानी भी होंगी है, तो दूजे पासे शर्म भी आ रही है। एक पासे तो तुसी मेरी नूह दी सिफता कर रहे हो, और दूसरे पासे उन्हों इस घर विचों जाण लई मजबूर कर दिता। हाँ किया असी उसनों मजबूर, क्योंकि वह एक टोली की कुड़ी है। बाकी सारिया गल्लां एक पासे, ते बस इस चीज़ नूं पहल देनी है कि वह एक टोली की कुड़ी है। तुहानूं किसी होर गल की परवाह नहीं कि एक टोली की कुड़ी दे विच किसी घर की सुजोजी नूं बनन दे सारे गुण ने। ਜ਼ੁੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਢਲੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਨੀਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। मेरी धी नूं इत्थों ले जाओ, हुण उह साडे लई बेगाना धन है, तुहाडे घर दी नूंह है, तुहाडी इज्जत है, हुण तुहाडा परिवार ही उहदा अपना परिवार है, तुहाडा घर ही उहदा अपना घर है। मैं हुण सिर्फ बेनती कर सकदा। असीं मना नहीं करदे मिस्टर मेहरा, असीं तां तानिया नूं लैण ही आए हां, पर उह जाण लई राजी होए तां ना, उह तां कह रही है कि गीत ना आई तां मैं जाणा ही नहीं। फिर विदाई की तैयारी शुरू कर लो तुसी सारे, हुण मैं आ गई। तू आ गई गीत?
ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਈ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ। ਗੀਤ, ਪਰ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਸਟਰ ਬਜਾਜ, ਇਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਣੀ ਇਹਦੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਨੀਆ, ਤਾਨੀਆ! ਨਹੀਂ ਮੋਮ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ? ਹਾਂ ਦੇਖ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਤਾਨੀਆ ਬੇਟਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤਾਨੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਨੀਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਤਾਨੀਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਮ, ਹੈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੱਥ ਪਾਈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਨੀਆ ਮਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਭਾਬੀ,